धमकियां दी, FIA को मैं भी बुलाती हूँ, ये करवाती हूँ ये करवाती हूँ, धमकियां देना। मोबाइल मैडम ने मुझसे छीन लिया। लीगी रहनुमा अनुशे रहमान ने सहाफी का मोबाइल छीना, वीडियोस डिलीट की और धमकियां दी। सहाफियों का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अनुशे रहमान की मुआफी का मुतालबा, मीडिया टॉक का भी बायकॉट कर दिया। मामला तय करने के लिए साद रफीक की भी कोशिशें काम न आई। छुप छुप कर वीडियो बनाना गैर अखलाकी हरकत है। वीडियो बनाना चाहते हैं तो पूछ कर बना लेते। किसी भी पेशे को रिवायत के मुनाफी इस्तेमाल करना गलत है। अनुशा रहमान की गुफ्तगू। हम पैनामा का मुकदमा आवाम की अदालत में लड़ेंगे। उस मियां शरीफ पर रूम का हिसाब मानते हो जिनकी जिनके तकवा, परहेजगारी और उनकी दयानतदारी का एक जमाना मोतरफ है। मियां शरीफ मरहूम के तकवा और परहेजगारी का जमाना गवाह है। चंद साजिशी अनासिर हमारा मैंडेट नहीं छीन सकते। पैनामा केस अवाम की अदालत में लड़ेंगे। सहाफियों के एहतजाज के दौरान ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। ये जानना शहरियों का बुनियादी हक है कि वजीर आजम अहल है या नहीं। बुनियादी हुकूक के मामले पर अदालत डिक्लेरेशन और कानूनी नतायज पर फैसला दे सकती है। साबित हो गया कि रियासती इदारे काम नहीं कर रहे। हमारे लिए नैब का गुज़श्ता रोज इंतकाल हो चुका। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा मामलात पर शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। आइन के तहत नाअहली के लिए मुतालिका फोरम स्पीकर और इलेक्शन कमीशन है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चेयरमैन नैब की कारकर्दगी पर बस यही कहा जा सकता है, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने शेर पढ़ दिया। अटॉर्नी जनरल चाहते हैं पैनामा केस कोई तहसीलदार सुने और वो भी लाहौर का हो। सरकारी वकील किसी नए NRO के चक्कर में है। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में यंग डॉक्टर्स का हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम। मुतालबात न माने गए तो पंजाब भर में एहतजाज होगा। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी तीसरे रोज भी बंद। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज रुल गए। लाहौर के शेख जैद अस्पताल में डॉक्टर ने मुबैना तौर पर नर्स को थप्पड़ मार दिया। नर्सों का एहतजाज, डॉक्टर की बरतरफी का मुतालबा। वज़ाइफ में इजाफा न होने के खिलाफ कराची में यंग डॉक्टर्स ने आज का एहतजाज खत्म कर दिया। कल फिर धरना होगा। जिंदगी भर की जमा पूंजी जल गई। मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार की लुंडा मार्केट में आतिशबाजी। 40 से ज्यादा दुकानें लपेट में आ गईं। वसाइल और पानी की किल्लत के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। रेस्क्यू एहलकारों से हाथापाई। तंगी कचहरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर दुनिया न्यूज पर। दोनों बमबारों ने चादर ओढ़ रखी थी। नादरा ऑफिस के सामने से गुजरे। दहशतगर्दों पर जमीन तंग होने लगी। खबर एजेंसी के इलाके राजगार ने पाक फजाइया की कार्रवाई। मुतादिद दहशतगर्द मार दिए, कई ठिकाने तबाह। कराची में अहम तनसीबात और इमारतों को हदफ बनाने की मजमूम मनसूबाबंदी नाकाम। अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले दहशतगर्दों के नेटवर्क के 8 कारिंदे अंजाम को पहुंचे। कलदम तंजीम का सरगना भी मारा गया।
सीसीटीवी कैमरे सब कुछ खराब। 3 बार दहशतगर्द हमलों का निशाना बनने वाली इस्लामाबाद की F8 कचहरी में सिक्योरिटी ना होने के बराबर। इस्लामाबाद पुलिस कागजी सिक्योरिटी प्लान बनाने में शेव। कराची में दफा 144 का निफाज, जामिया कराची के तमाम नसाबी और गैर नसाबी प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगा दी, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मुबैना साइंसी फ्रॉड का इंकशाफ। ज्यादती के बाद सर मुलजिम कमरुद्दीन ने कार्रवाई से बचने के लिए अपने हमनाम का DNA करा दिया, जाली मुलजिम गिरफ्तार। PSL फाइनल की तैयारी, पंजाब असेंबली के इजलास की 27 फरवरी की समरी मुस्तरद। राणा सनाउल्ला कहते हैं सिक्योरिटी इदारे PSL की तैयारी में मसरूफ होंगे।